ओके सो वी आर गोइंग टू कवर सेंसिटाइजेशन प्रोडक्टिव एक्शन तो हम पहली वीडियो में देख चुके हैं सेकेंड लाइक इस सीरीज के सेकेंड वीडियो में उन्होंने देखा था कि हाउ इज लाइक द टू मीन्स ऑफ स्टेबलाइजिंग द लाइफूबिक कोलोइड दैट इज वन इज मेकिंग डेवलपिंग इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन दी पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द कोलोडल सिस्टमली फॉर्म अ प्रोडक्टिव कोलोर्डल शीत दैट विल बी कवरिंग द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलोर्डल सिस्टम तो हमने फर्स्ट मेथड तो ऑफकॉर्स देख लिया था पर अभी सेकेंड मेथड हमने देखा इच इज कॉल्ड एज योअर प्रोडक्टिव क्लोर्डल एक्शन तो इसमें क्या लिखा हुआ है एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफो और हाइड्रोफोबिक कोलोयड टू हाइड्रो फोबिक कोलोइड ऑपोजिट चार्ज टेंस टू सेंसिटाइज और इवन कोआगुलेट द पार्टिकल्स ना दिस इज कंसिडर्ड बाय सम वर्कर्स टू बी ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ द जीडा पोटेंशियल बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ठीक है मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऊपर वाली लाइन्स बिल्कुल मत पड़ना बिकॉज ए वेरी मिसलीडिंग अदर्स एक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स टू रिडक्शन इन दिखना सब सराउंड की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्टली यहाँ से पढ़ेंगे द एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोफाइल हाइड्रोफिलिक क्लोइड हाउ व स्टेबिलाइज द सिस्टम द हाइड्रोफाइल बिंग ऑब्जॉर्ब एड अबॉर्ब्ड ऑन द हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्रोटेक्शन एंड द एडेड हाइड्रोफिलिक सोलूशन इज नोन एज प्रोटेक्टिव क्लोइड ठीक है तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर वी आर बेसिकली यूजिंग अ हाइड्रोफिलिक क्लोइड टू स्टेबलाइज अ हाइड्रोफोबिक क्लोइड आई गेटिंग दिस येस सो हाइड्रोफिलिक कोलाइड डाल रहे हैं इन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज हाइड्रोफोबिक कोलाइड एंड बेसिकली इट्स नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव कोलाइड ठीक है ना द सेवरल वेज एंड वेज स्टेबिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलाइड कैन बी अचीव्ड हैव बीन ड्यूड अच्छा ठीक है देखने की जरूरत नहीं है फिर हम डायरेक्टली जाते हैं दिस प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस मोस्ट फ्रीकुटली इन टर्म्स ऑफ द गोल नंबर ठीक है सो हम लोगों को सर नेचुरीली गोल्ड नंबर ही कवर किया है द गोल नंबर इज़ द मिनिमम वे टन मिली ऑफ द प्रोडक्टिव कोलाइड required to prevent a color change from red to violet in 10 ml of a gold sol on the addition of 1 ml of a 10 percent solution of sodium chloride iska matlab kya hota hai ki gold number iska matlab kya hota hai gold number is nothing but the number of milligrams of the protective colloid जो protective colloid डालने वाले हो कि जो कि आपका हाइड्रोफिलिक कोलर है वो आप डालने वाले हो आ, उसका कितना मिलीग्राम से आप डाल रहे हो ठीक है टू प्रिवेंट कलर चेंज फ्रॉम रेड टू वायलेट ठीक है अभी रेड टू वायलेट कलर चेंज किस में हो रहा है इट इज़ हैपनिंग इन द गोल्ड सॉल मतलब गोल्ड का जो कोलॉडियल सिस्टम है उसके अंदर करेक्ट है और वो कितना सोल्यूशन है मतलब सॉरी कितना सोल्यूशन नहीं कर बोलते उसको कितना एम एल का कोलोडल सिस्टम है वो दस एम एल का कोलॉडियल सिस्टम है करेक्ट है ऑन द एडिशन ऑफ वन एम एल ऑफ़ टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो जब हम गोल्ड सॉल के अंदर एन ए सी एल डाल रहे हैं ना ना ये सी एल प्रोटेक्टिव क्लोइड ठीक है तो हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ दिस मच इज रिक्वायर्ड ओके अच्छा 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 एम 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 वरी रॉन्ग इन दिस सॉरी 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 मैंने ये थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है इसमें मैं आपको जब मैं आपको स्टार्टिंग से मीनिंग बताता हूँ इसका कि इसका मीनिंग सिंपल ये होता है कि वी आर सींगयर दैट द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोइड दैट इज एडिड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ कलर चेंज ऑफ वॉट ऑफ अ गोल्ड सॉल ऑन एडिशन ऑफ वन एम एल ऑफ़ अ टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड ओके तो हम क्या कर रहे हैं एक्जैक्टली exactly में हमारे पास एक गोल्ड सॉल है ओके वी हैव अ गोल्ड सॉल्व ना इन दैट गोल्ड सॉल्व अच्छा आई थिंक आई थिंक सर के नोट्स में सर ने इसका प्रॉपर ये दिया है ठीक है लेट्स 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 सी दैट प्रोसीजर तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का ठीक है तो लेट मी जस्ट ओपन दैट वन सेकेंड है उसमें क्या उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि प्रोसीजर एक्जैक्टली exactly है क्या तो वो अपने को आ, जो बोलते हैं एक्जैक्ट समझ में आएगा आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज एक सेकेंड ना सिर्फ या गो तो इसमें लिखा हुआ है सर ने कि गोल्ड फॉइल सॉरी गोल्ड नंबर जो है ये टेक टेन एम एन ऑफ गोल्ड अच्छा हाँ सो हमने इसकी फिगर ही बनाई है आपको बताता हूँ सब बताता हूँ मैं एक साथ मेंज ए डॉक्यूमेंट नंबर ओपनिंग है शिट में प्रॉपर लिखा हुआ है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड नंबर ओके अभी यहां पर डिटर्मिनेशन में लिखा हुआ है कि फ, आ, एक फिगर है आपको जो मैं बताऊंगा एंड में इसमें लिखा हुआ है टेन एम एल ऑफ गोल्ड सॉल इन ईच ऑफ द टेन टेस्ट ट्यूब्स द कलर ऑफ द गोल्ड सॉल इज रेड ओके तो अपने पास रेड है ऑलरेडी हमने आपको बोला है कि रेड टू वायलेट चेंज होना चाहिए कलर राइट तो हम लोगों ने क्या करना है बेसिकली हम लोग को गोल्ड सॉल लेना है वो भी कितना दस दस एम एल लेना है हर एक टेस्ट ट्यूब में नाउ वी आर गोइंग टू एड डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टीज ऑफ आर प्रोटेक्टिव कोलराइट एज यू कैन सी देन ऐड वन मिलीग्राम्स टू मिलीग्राम थ्री मिलीग्राम्स ऐसे करते करते हम लोग दस मिलीग्राम तक देखेंगे ठीक है तो पहले टेस्ट ट्यूब में वन सेकेंड ट्यूब में टू थर्ड टेस्ट ट्यूब में थ्री ऐसे करते करते अपने को देखने का है ऑफ द प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव टू द टेस्ट ट्यूब नंबर वन टू टेन एड वन एम एल ऑफ़ टेन परसेंट एन ए सी एल सोल्यूशन टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स ठीक है एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज इन द गोल्ड सॉल सिंपल मतलब क्या है कि आ, कितने एम जी पर मेरा कलर चेंज रुक गया समझ में है मैंने दस दस टेस्ट में आ, different, different मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मेरे प्रोटेक्टिव कूलर डाला हुआ है और सब टेस्ट में मैं आ, एक एक करके एनए सी जो है वो डालने वाला हूँ अब जिस जिस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो गया दैट इज़ फ्रॉम रेड टू वाइट अगर कलर चेंज हो गया ठीक है तो अपन बोल सकते हैं कि इतना मिलीग्राम जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड वो थोड़ा कम पड़ गया है वी नीड मोर प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कलर चेंज टू हैपन करेक्ट है बस उतना ही है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर ठीक है द फिगर जो मैं आपको बताने वाला था टेस्ट ट्यूब वाला उसमें भी सिर्फ इतनी है कि टेस्ट ट्यूब वहाँ पर दिखाए गए जाएंगे और पर दिखाया कि कौन सा कौन सा ट्यूब रेड हो गया कौन सा कौन सा ट्यूब बेड हो गया सो दैट डर मैटर मैटर सिर्फ आपका अभी इस केस अभी फिलहाल तो अपना थियोरी मैटर करता है ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी पेप्टाइजेशन अब पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीडिस्पोज ऑफ द पीपीटी इन द दलोडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड ओके सो इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिस्पोन ऑफ द पीपीटी इन द कोलोडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब क्या करते हैं अपन कि फेरिक हाइड्रोक्साइड डालने फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट अगर अपन ने सोलूशन में डाले जिसके अंदर ऑलरेडी प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कोलोर फॉर्म तो उसको रिडिजोल्व करने के लिए क्या करना रीडिस्पोज करने के लिए डालना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट ओके सो इन ऑर्डर टू री डिस्पर्स द पीपीटी इन द कोलोडल फॉर्म वी कैन एक्चुअली पुट एन इलेक्ट्रोलाइट ओके सो एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड एडिशन ऑफ द पी अच्छा हाँ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन द पी पी टी डिस टू गिव कोलोडल फेरिक हाइड्रोक्साइड ठीक है है मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है आपका कुरॉडल सिस्टम ठीक है आपका पहले जो भी पी था तो कुरॉडल सिस्टम बहुत स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है आपको उस पी को वापस ही डिजॉल्व करना पड़ेगा सो दैट सो दैट इट बिकम्स अ स्टेबल कुरोडल सिस्टम ओके नो वी कम ऑन टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कुरॉडल पार्टिकल्स ओके तो प्रॉपर्टीज ऑफ कुरोडल पार्टिकल्स में बोला गया है यहाँ पर कलर एंड साइज

नाइनोमीटर्स नहीं आईम स्ट्रॉन्ग इज ऑरेंज येलो इन कलर नॉवे द पार्टिकल साइज इज इंक्रीज टू नाइन हंड्रेड नाइनोमीटर्स सॉरी आई एम स्ट्रॉन्ग देन इट चेंजेस द कलर एंड बिकम्स ऑरेंज रेड एंड इफ इट इज अबव फिफ्टीन हंड्रेड एम स्ट्रॉन्ग दें द कलर चेंजेस टू वाइल द रेड कलर गोल्ड सॉल चेंजेज द कलर फ्रॉम रेड टू वाइलेट ऑन एडिशन ऑफ एलेट्रोलाइट बिकॉज देर इज इंक्रीज इन दु पार्टिकल साइज़ समझा आपको मैं क्या बोलने की कोशिश करा तो कलर एंड साइज बेसिकली डिटर्माइन वॉट इज द कलॉडल पार्टिकल ठीक है आपका कलर कुछ और होगा तो लो बढ़ जाते कि हाँ बाबा इसका पार्टिकल साइज़ डिफरेंट है इसका पार्टिकल साइज बड़ा है इसके लिए कलर चेंज हुआ है मे बी ठीक है तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम लोग पार्टिकल साइज़ देख सकते हैं सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी ये एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है ऑफ़ पार्टिकल्स आई विल जस्ट चेक इट विद इन वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द माउंटेन तो ये एग्जैक्टली exactly वही है आ, मोशन डिफ्यूशन नहीं ये तो नहीं है अपने को अभी अभी तो नहीं पढ़ना है वन अरे यार लाइफोबिक कोलाइड्स आ गए असोसिएशन कोलॉइड्स आ गया देन वी केम डाउन टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या तो एक्चुअली मैं द एंड डाल इफेक्ट ओके वन सेकेंड एक तो हमने एक सी कवर तो ऑलरेडी कर लिया है लाइफ ओबिक हो खो गया लाइफ फिलिक हो गया देन हमने दूसरा क्लासिफिकेशन भी देख लिया था ऑलरेडी तो यो वी गो यहाँ पर है साइज़ एंड शेप ऑफ द कलॉर पार्टिकल्स राइट एक्चुअली साइज एंड शेप हमने अभी कलर देखा राइट right? हूँ ठीक है या वैसे याद रख सकते हो वैसे मुझे यहाँ पर यहाँ पर वैसे कुछ मिल तो नहीं रहा है उसके रिलेटेड कुछ भी ठीक है बट डेन टू आई विल चेक इट वंस बिकॉज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में तो मुझे सिर्फ लाइट स्कैटरिंग दिखा टंडाल इफेक्ट दिखा मुझे आई वॉजेंट एबल टू सी एनी थिंग रिलेटेड टू शेप और साइज समथिंग रिगार्डिंग दैट और लाइक बट ऐसे प्रॉब्लम नहीं है यू कैन जस्ट यू नो राइट दिस लाइन ऑल्सो एंड देन टू विल गेट मार्क्स सो नो प्रॉब्लम है एक्चुअली इतना याद रहने वाला है वैसे भी सो so, को ज़्यादा करने का है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ को इट्स नो इट्स नॉट देयर ठीक है तो इट विल बी गुड इफ आई कंटिन्यू विथ हर्ड कॉर्स नोट्स ओनली ओके या yeah. सो so, इसमें वही लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर एक जो है कलर एंड साइज दिया हुआ है तो वही है मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में कि जो कलर रहता है आपका डिपेंड करता है साइज के ऊपर ओके okay? जो उसमें अपन एक सिमिलर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है सो कैन टेक अ स्क्रीन शोड ऑफ द सेम नाउ वी आर गोइंग ऑन टंडाल इफेक्ट टिडाल इफेक्ट हम लोग उसमें से ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा टाइम पास नहीं होगा जो मैं अभी लाइक बीच में ऐसे डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्शन में आई सी वेदर आई हैव एन हैव एन ऑल्टरनेटेड ऐप फॉर द सेम हम्म ना स्ट्रॉ बीम ऑफ लाइट एज पास थ्रू अ कोडल कोन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व कॉलोडल पार्टिकल्स इज फॉर्मड दिस इज अ फेरडे टंडाल इफेक्ट ओके सो वेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोरोडल सॉल्व जैसे भी आप किसी भी कोलोडल सिस्टम में से अगर एक फाइन बीम ऑफ लाइट अगर आप पास करवाते हो ठीक है अ विजिबल कोन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वैदल पार्टिकल इज फॉर्म दिस इज कॉल इज द टंडल इफेक्ट जैसी उस लाइट ने जैसी उस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट ने आपके पार्टिकल्स को पार करके बाहर से आ गए तो जब वो बाहर आ रहे हैं तो अपने को ये कोन लिखेगा रेज का दिस इज फायर इफेक्ट ना द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डेवलप बाय अच्छा ये जरूरत नहीं है एंड इंटेंस लाइट बीम इज पास टू द सॉल्व अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड एट राइट एंग टू द्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दो द पार्टिकल्स के नॉट बी सीन डायरेक्टली वन सेकेंड दिस हाँ बिकॉज सर ने टिडाल इफेक्ट में तो अपने को इफेक्ट के बारे में ज़रूर बताया है एंड हैज ऑल्सो टॉक्ट अबाउट समथिंग इज कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ओके एंड देन सर हैज़ ऑलरेडी मतलब सर हैज़ स्केप्ड एवरीथिंग एंड देन ये डायरेक्टली गॉन ऑन टू रियली इक्वेशन एंड ब्राउनियन मूवमेंट जो कि हम लोग को वैसे भी इसके बाद में करना ही है so, तो टिंडाल इफेक्ट में फॉर कॉन्सेप्ट पर्पजेज इतना ही था कि वेन एवर द स्ट्रोंग बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द कोरोडल सिस्टम वी कैन सी अ कोन ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ इट इसका रादर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपन यूज कर सकते हैं सो सो दै वी कम टू नो कि यह देख सकते हैं आप जिसमें देखा ना मैंने कि अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रूर सिस्टम सोल्व इज स्कैटर्ड बाय द कोरोडल पार्टिकल्स एंड द कोन कैन बी सीन करेक्ट देन नाओ द स्कैट लाइट इज कॉल एज अ टेंडाल कॉन ठीक है नाउ मोलिकुलर कोलाइयड डैट इज अ थ्रू कोलॉइयड सोल्यूशन डू नॉट शो द टाल इफेक्ट दैट इज अट इज नॉट स्कैट बाई दीज सल्यूशन ठीक है तो ये भी आप लिख सकते हो कि भाई मोलिकुलर कोलाइय जो रहता है जो अपना ठीक है जिसको हम ना थ्रू कोलाइडल सोल्यूशन भी बोलते हैं तो उसके थ्रू से वो तो बेसिकली कभी भी टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करेगा नाओ टेंडल इफेक्ट कैन बी यूज टू व्यू पार्टिकल्स In ultra microscope, now a beam of light is directed and use a convex lens to focus a light on the colloidal sol and view through the ultra microscope. You will see the shining disc like particles. Okay, so what is happening? The tinder elephant can be used to view particles in ultra microscope. Okay, a beam of light is directed and use a convex uh, 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 lens to focus light on the colloidal sol and view. थ्रू द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यू विल सी द शाइनिंग डिसलाइक पार्टिकल्स ठीक है तो अपन एक अल्ट्रा माइकोस्कोप यूज़ कर सकते हैं जिसमें से फिर अपन फिर आपने क्या करेंगे कि अल्ट्रा माइक्रस्कोप अपने सोल्यूशन के ऊपर रखेंगे अपने कोरोडल सिस्टम के ऊपर ही रखेंगे अपन अट्ट्रा माइक्रोस्कोप ठीक है सबसे पहली बात तो हम लोग एक्चुअली में एक लाइट जो रहता है उसमें से पास करवाएँगे अपने कोलोडल सिस्टम से ओके एंड जैसे अपन ने कोरोडल सिस्टम में से पा पास करवाई लाइट तो क्या होने वाला है अबीम अव लाइट एज आटेड एंड यूज अ कॉन्वेक्स लेंस टू फोकस द लाइट ठीक है

ठीक है और जैसे आपने कोरोडियल सॉल के ऊपर अपना फोकस किया लाइट तो क्या हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो ऑब्वियसली होने ही वाला है पर उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मतलब जो बीम ऑफ लाइट जब कोरोडल सिस्टम से स्कैटर होकर बाहर निकलेगी तो उस कोन को हम वो देखने का है तो उस कोन को हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं सो विल बी सींग अ शाइनी डिस्क ऑफ लाइट दट इज देयर ठीक है दैट यू कैन सी सो अभी के लिए वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आई विल बी कवरिंग रिली इक्वेशन एंड ब्राउनियन मूवमेंट and then other properties.